कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ से लखनऊ के लिए आज शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन में एक यूट्यूबर किशोरी से बदसलूकी की गई। आरोप है कि बदसलूकी करने वाले कोई और नहीं भाजपा कार्यकर्ता थे। दिल्ली से इस इवेंट को कवर करने पहुंची युवती ने उसके साथ धक्का मुक्की करने व भाई को थप्पड़ मारने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। युवती के भाई को भी यह चिल्लाते हुए सुना गया कि जिन लोगों ने उसकी बहन से बदसलूकी की और उसे थप्पड़ मारा उसका ही फेवर मौजूद पुलिस ने लिया है। यह घटना मेरठ सिटी स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होते ही हुई। बता दें कि वंदे भारत के इनॉग्रेशन में रेलवे की ओर से यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को भी बुलाया गया था। देखिए, I am crying. I am crying. Somebody is misbehaving my sister. And these police officers are supporting them. ये पुलिस वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो ये, इन्हें पता है कि हम खाने जाते हैं, हमारे साथ ही जा रहे थे। ये सामने जा रहे हैं, तो हमें जाने नहीं, हमें वो जाने नहीं दे रहे थे। हमको बोले, मुझे जानते नहीं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता, तो बोला हमको नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे, उन्होंने हमें फिर रोक लिया। फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना चाहना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं, मैं नहीं चाहते। बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं, कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? अरे वहाँ पे एक छोटी सी हाइट की वो थी, वो धक्का दे रही थी, मैंने यहाँ पे लग रही है। देखो ये मारेगा मुझे। देखो, इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।